सर्दियों के साथ साथ आ गया है आंवले का भी सीजन, तो आज हम बनाने वाले हैं आंवले का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल होती है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये हमने लिया है कुछ आंवले और अभी सबसे पहले हम उबाल रहे हैं पानी। तो पानी जब उबल जाएगा तो उसमें ये आंवले हम डालेंगे। अब देखिए पानी उबलने लग गया है और इसमें अब हम डालेंगे आंवले और इन्हें हम 5 से 10 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें सिर्फ इनका कलर चेंज होना ही नहीं देखना है, बल्कि ये तब तक इन्हें रखना है जब तक ये अपनी गुठली से अलग नहीं हो जाते। ये देखिए उबलने के बाद इस तरह से इसमें लाइन्स आने स्टार्ट हो जाती है और ये आराम से सेपरेट हो जाएगा अपनी गुठली से। इन आंवलों को हमने सुखा दिया है और वैसे आप बिना सुखाए भी अचार जो है बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय के लिए फिर नहीं चलेगा। अगर आप इसे सुखा देंगे तो इसके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये आप काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी देर धूप में इसको सुखा दिया था। तो चलिए अब बनाते हैं इसका मसाला। तो हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि हमने ली है पीली सरसों, ये है मेथी और ये है सौंफ। इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। और कुछ हमने लिए हैं पिसे हुए मसाले, लाल मिर्च, ये है हींग, और थोड़ी हमने ली है हल्दी, नमक, और ये है काला नमक, जिसे कि हमने जो डली वाला काला नमक होता है उसे हमने हल्का सा दरदरा कर लिया है। हम थोड़ा मार्केट का मसाला भी इसमें ऐड करेंगे, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, इसमें भी आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 200 से 250 ग्राम तक तेल, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे पहले, फिर इसे ठंडा करके इसमें सारे मसालों को ऐड किया जाएगा। तो ये तेल अब ठंडा हो गया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। तो ये जो मसाले हमने पीसे थे, मोटा दरदरे मसाले, वो हमने इसमें डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्च, अब इसमें डालेंगे हम काला नमक। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने ये सभी मसाले हल्के गुनगुने तेल में इसलिए डाले थे ताकि ये मसाले अच्छे से सिक जाए। अब हम इसमें डालेंगे आंवला। तो ये अच्छे से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है और अब हम इसे फिल कर देंगे जार। तो ये बनके रेडी हो गया है हमारा आंवले का अचार। हमने इसे एक साफ जार में फिल करके रख दिया है और हम इसे काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धूप में इसे नहीं सुखाएंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन तब जो है ये इतने लंबे समय तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें नमी जो है वो रह जाएगी। तो ये थी हमारी आंवले के अचार की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।